राजस्थान मासिक करंट अफेयर्स राजस्थान की सभी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए लाभकारी होगी। चलिए शुरू करते हैं। मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना हुई शुरू। 21 अगस्त 2024 से राजस्थान में आयुष्मान जीवन रक्षा योजना शुरू की गई। इस पहल का मुख्य उद्देश्य राज्य में सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मृत्यु दर को कम करना है। राज्य सरकार घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचने में मदद करने वाले लोगों को 10,000 रुपये और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित करेगी। यह योजना चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा क्रियान्वित की जाएगी। अमृता देवी पुरस्कार किए गए वितरित। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा अमृता देवी पुरस्कार के अंतर्गत वन्य जीव संरक्षण व सुरक्षा श्रेणी में निम्न व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। वन विकास संरक्षण एवं वन सुरक्षा श्रेणी में नारायण लाल कुमावत वर्ष 2019 के लिए, राजसमंद के श्याम सुंदर पालीवाल वर्ष 2020 के लिए, सीकर की अभिलाषा व भरतपुर के श्री बच्चू सिंह वर्मा वर्ष 2021 के लिए तथा कोटा के श्री पवन कुमार जैन वर्ष 2022 के लिए को सम्मानित किया गया। इसी प्रकार वन्य जीव संरक्षण एवं सुरक्षा श्रेणी में नागौर के गजेंद्र सिंह मांझी वर्ष 2020 के लिए, उदयपुर के पद्म सिंह राठौर वर्ष 2021 के लिए तथा जयपुर के मोहित शर्मा व दिव्या शर्मा को वर्ष 2022 के लिए संयुक्त रूप से पुरस्कृत किया गया। लाडो प्रोत्साहन योजना की हुई शुरुआत। 1 अगस्त 2024 से राजस्थान में लाडो प्रोत्साहन योजना की शुरुआत हो गई। इस पहल की घोषणा 8 फरवरी 2024 को की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि लड़कियों को कम उम्र से ही पर्याप्त शिक्षा और सहायता मिले। इसके अंतर्गत सीमित वित्तीय संसाधनों वाले परिवारों को लड़की के जन्म पर 1 लाख रुपए का बचत बॉन्ड मिलेगा। राजस्थान बनेगा मेडिकल टूरिज्म डेस्टिनेशन। हाल ही में राजस्थान सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय आगंतुकों को आकर्षित करने के लिए जल्द ही हीलिंग राजस्थान नीति शुरू करके मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने का फैसला किया है। नीति तैयार करने के लिए एक मेडिकल वैल्यू ट्रैवल कमेटी नियुक्त की गई है, जिसमें विभिन्न विभागों और संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। राज्य सरकार के चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने इस नीति के लिए सुझाव जुटाने हेतु निजी अस्पतालों, टूर ऑपरेटरों और अन्य हितधारकों के साथ समझौता किया है। राज्य सरकार ने वर्ष 2024 में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए बजट का 8.26% हिस्सा आवंटित किया था। राजस्थान निवेशक शिखर सम्मेलन 2024। व्यापार संघों और उद्योग मंडलों ने 9 से 11 दिसंबर 2024 तक जयपुर में आयोजित होने वाले निवेशक शिखर सम्मेलन राइजिंग राजस्थान के लिए सिफारिशें प्रदान की है। शिखर सम्मेलन की औपचारिक घोषणा 1 अगस्त 2024 को की गई थी और राज्य सरकार को 5.40 ट्रिलियन रुपए से अधिक के निवेश के लिए समझौता ज्ञापन प्राप्त हुआ था। अखिल राजस्थान व्यापार एवं उद्योग संघ इस आयोजन की सफलता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व। वन विभाग ने एडवेंचर रैली के दौरान रणथंभौर टाइगर रिजर्व में अवैध रूप से प्रवेश करने वाले 14 एसयूवी मालिकों पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। यह जुर्माना वन्य जीव अधिनियम 1972 की धारा 27/51 के अनुसार लगाया गया। रणथंभौर टाइगर रिजर्व राजस्थान राज्य के पूर्वी भाग में करौली और सवाई माधोपुर जिलों में अरावली और विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं के संगम पर स्थित है। इसमें रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के साथ साथ सवाई मानसिंह और कैला देवी अभयारण्य शामिल है। राजस्थान की पहली विमानन अकादमी। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने अजमेर जिले के किशनगढ़ हवाई अड्डे पर राज्य की पहली उड़ान प्रशिक्षण अकादमी का उद्घाटन किया। नई अकादमी किशनगढ़ में आर्थिक गतिविधियों के विकास में मदद करेगी, जो अपने संगमरमर और ग्रेनाइट उद्योग के कारण एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र के रूप में उभरा है। राजस्थान अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी करेगा। अभ्यास तरंग शक्ति भारत में अब तक का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अभ्यास होगा, जिसमें 51 देशों को आमंत्रित किया गया है। अभ्यास का पहला चरण 6 से 14 अगस्त तक तमिलनाडु के सुल्लूर में आयोजित किया गया, जबकि दूसरा चरण 1 से 14 सितंबर तक राजस्थान के जोधपुर में आयोजित किया जाएगा। राजस्थान राज्य की अन्य महत्वपूर्ण खबरें इस प्रकार हैं। 10 अगस्त 2024 को मेड़ता सिटी नागौर
से मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा द्वारा मीरा महोत्सव का शुभारंभ किया गया। यह 520वां मीरा महोत्सव था। 11 से 17 अगस्त तक BSF द्वारा राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर ऑपरेशन अलर्ट ऑपरेशन चलाया गया। बीकानेर में आयोजित 32वीं सीनियर ताइक्वांडो चैंपियनशिप में दिव्या राजावत और शिव्या राजावत ने स्वर्ण पदक जीता। राजस्थान के बजट 2024-25 की घोषणा के अनुसार प्रदेश में फल फूल मंडी सादद्दी पाली में स्थापित की जाएगी। अमेरिका की नासा कंपनी ने विश्व के सबसे बड़े सोलर पार्क भड़ाला जोधपुर का सैटेलाइट फोटो जारी किया है। राजस्थान की पहली और देश की दूसरी चीता सफारी रावतमाटा गांधी सागर चित्तौड़गढ़ में बनेगी। काजीपुरा गंगा भैरव घाटी अजमेर में राज्य की नई लेपर्ड सफारी स्थापित की जाएगी। राजस्थान लोक सेवा आयोग के नए कार्यवाहक अध्यक्ष के पद पर कैलाश चंद मीणा को नियुक्त किया गया। राजस्थान के जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय में राज्य का पहला किसान कॉल सेंटर शुरू हुआ। जयपुर की वैष्णवी शर्मा ने फेमिना मिस इंडिया राजस्थान 2024 का खिताब जीता। जोधपुर में वीर दुर्गादास राठौड़ की 386वीं जयंती समारोह में मांड गायिका गौरी देवी को दुर्गादास राठौड़ लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। हरियालो राजस्थान के तहत 7 अगस्त 2024 को नवनिर्मित दुदू जिले में 75वें राज्य वन महोत्सव का आयोजन किया गया। राजस्थानी तीज महोत्सव का आयोजन 5 से 11 अगस्त 2024 तक बीकानेर हाउस दिल्ली में किया गया। हाल ही में भुवनेश्वर में आयोजित राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में राजस्थान की दक्षिणा जोशी ने स्वर्ण पदक जीता। अटल भूजल योजना में अब राजस्थान प्रदेश 7वें स्थान से 3रे स्थान पर आ गया है। जयपुर में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने उत्तर भारत के पहले विप्रो हाइड्रोलिक प्लांट का उद्घाटन किया। मानवेंद्र सिंह जसोल राजस्थान फुटबॉल संघ के अध्यक्ष बने। मरुधरा लोक कला एवं संगीत सेवा संस्था जोधपुर द्वारा मरुधरा गौरव सम्मान 2024 से मीता पंडित को सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 के लिए राजस्थान के श्री गंगानगर से बलजिंदर सिंह और बीकानेर निवासी हुक्मचंद चौधरी का चयन हुआ। जोधपुर और पाली शहरों को राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम में शामिल किया गया। 17 फाइनलिस्ट को हराकर जयपुर की सलोनी वर्मा मिस राजस्थान 2024 बनी।